Hi, my name is Ashish Good. Welcome to my channel. Those of you don't know me and watching me for the first time, I'm a realtor by profession. मैं real estate की काफ़ी सारी बातें करता रहता हूँ और मेरे channel पे आप लोग काफ़ी वो details देख सकते हो. गुड़गांव के बारे में intensively मैं बात करता हूँ. तो आज भार्गवी ने मुझे बताया कि बहुत सारे सवाल आए हुए हैं आपकी तरफ में, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ. तो मैंने कहा कि चलो वो सवाल ही आंसर कर देते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. भार्गवी, आप मेरे से पूछते जाओगे, मैं बात करता जाता हूँ, जिनसे भी इंटरेस्टिंग सवाल आपको लगते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन. बिल्कुल. सो आशीष, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन नेक्स्ट 5 इयर्स? रेजिडेंशियल रियल एस्टेट फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, देखो मैं 2 साल से ज्यादा ना प्रेडिक्शन नहीं करता हूं, और 2 साल से ज्यादा मेरे को आगे कुछ दिखता भी नहीं है. हां, यूं है कि 5 साल के लिए वो प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर यू नो यू डोंट हैव एन एक्सपेक्टेशन और यू नो लंबा टाइम रखना है. 2 साल की प्रेडिक्शन मुझे अभी पॉजिटिव लगती है. सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव है. अगर अनसर्टेंटी आती है मार्केट में, जैसे एक कोरोना था, अनसर्टेंटी का टाइम था, इस टाइम अभी भी रियल एस्टेट की मार्केट बुल रन पे चल रही है, ऑल टाइम हाई है प्राइजिंग. तो आई थिंक विदाउट अ डाउट 1 साल तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली. वी गोइंग टू कंटिन्यूअसली सी न्यू लॉन्चेस, वी कंटिन्यूअसली गोइंग टू सी अ प्राइस राइज ऑल्सो. आई थिंक DDJY हैज एडेड अप in Gurgaon's portfolio, and this would this is going to play a new role, kyunki Delhi mein common hai is august ke floors ke upar registry karana, Gurgaon mein common nahi hai. To jab bhi koi cheez nayi aati hai to log uska advantage lete hain. I think ye rehna hai. Kitna positive hu ye hai ki ek appreciation Gurgaon market mein aa chuka hai, right? To ki continuously rahega, but I still feel there is no downside. At least people would not lose money if they invest in real estate. तो rally is going to continue for another 2 years. तो 2 साल के बाद फिर अगले 2 साल की बात कर लूँगा. Sir, why there are no or zero startups which are solving real estate problems? ऐसी startups क्या होते हैं ना कि they want to जब भी कोई startup या कोई ऐसी company आप सोचते हो कि longer horizon के लिए होती है, तो वो एक बड़ी problem solve करने के लिए होती है. तो हमारी रियल एस्टेट मार्केट ना बहुत ही सेक्टोरियल है. जैसे एक शहर का जो रियल एस्टेट है वो दूसरे शहर से नहीं मिलते. नॉर्म्स हरियाणा के नॉर्म्स नोएडा से यूपी से नहीं मिल रहे, यूपी के गोवा से नहीं मिल रहे, गोवा के मुंबई से नहीं मिल रहे. सो यू सी देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन रियल एस्टेट एंड द प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग अडॉप्टेड बाय द स्टेट्स. सो आई डू नॉट थिंक इन अ वेरी अनटिल एंड अनलेस देयर मेजर प्लेयर्स प्लेइंग पैन इंडिया. आप ये देखोगे कि मेजर प्लेयर्स जो साउथ के हैं, जैसे कि शोभा हो गया, प्रवांग राव का, और मुंबई के जो हो गए हिरन नंदानी, तो वो अपने एरिया में ही कन्फाइंड है. अगर हम DLF को छोड़ दें तो रादर देन यू नो अपार्ट फ्रॉम DLF बहुत सारे जो लोकल प्लेयर्स ही हैं जो कि एक स्टेट के अंदर ही ऑपरेट कर पाते हैं, राइट? सो आई स्टिल फील कि यू नो इट रियल एस्टेट एक थोड़ा सा नीश मार्केट है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अलग से ही ऑपरेट करती है. एंड ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स नहीं आ रहे हैं. देयर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू टेक दिस थिंग ऑनलाइन, और वहाँ पे ऑनलाइन आने से जैसे कि लेजिट कंपनियाज अगर वो ऑनलाइन आ जाती हैं तो आप यहाँ से बैठ के गोवा का माल बुक कर सकते हो, गोवा से बैठ के मुंबई का कर सकते हो. सो देयर इट इज़ इन द पाइपलाइन, एंड आई थिंक इन नेक्स्ट 5 ईयर्स यू विल सी अ चेंज. विच सिटी इन इंडिया इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स? सी आई डो नॉट हैव नॉलेज फॉर ऑल दी सिटीज ऑफ इंडिया, बट मेरे जो फेवरेट 2 जगह हैं गुड़गांव और गोवा, तो आई थिंक ये दोनों जगह के बारे में मेरे को काफ़ी पता है. मुझे ये पता है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना. तो आई थिंक इन दोनों की जगह आई थिंक देर इज मनी टू बी मेड इन ऑल दी सिटीज. बट हाँ, हमने रिसेंटली देखा है कि 2 tier सिटीज़ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. अपार्ट फ्रॉम गुड़गांव 2 tier सिटीज़ जो हैं उनका भी काफ़ी अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन आया. बट गुड़गांव इज़ अ स्टेबल मार्केट. जैसे कि आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता है ना, सो गुड़गांव इज़ अ लार्ज कैप, तो यहाँ पे अप डाउन कम होता है. वैसे ही जैसे स्मॉल सिटीज़ के अंदर वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं प्राइस के. जब चढ़ती है तो जल्दी चढ़ जाती है, जब उतरती है तो कोई बायर नहीं होता, राइट? तो आई थिंक गोवा एंड गुड़गांव इज़ द 2 सिटीज़ विच आई एम यू नो मोर इंटरेस्टेड इन एंड वुड लाइक टू टॉक अबाउट. So this one is my favorite, sir. Is it worth buying metaverse real estate? Which has started, right? So अभी क्या है कि transactional cost जो आ रही है ना इसमें, Ethereum के अंदर transactions हो रही हैं, और
पर हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर दिस लॉट ऑफ अ सब्सटैंशियल अमाउंट, जो कि हमारे जैसे आई वुडंट से कि इंडिया और एशियन कंट्रीज़ के लिए अभी अगर आप देखोगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन 50,000 के आसपास आ रही है फॉर एनी पीस ऑफ आर्ट टू बी सोल्ड. सो आई डू नॉट थिंक आई दैट आई हैव दैट काइंड ऑफ माइंड फ्रेम टू कमेंट ऑन कि वेदर मेटावर्स रियल एस्टेट. ऑफकोर्स जब मैं देखता हूँ कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी फोटोज के अंदर बिक रही है, सो समटाइम्स इट मेक्स सेंस टू मी, समटाइम इट डजंट. सो आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मेटावर्स रियल एस्टेट के अंदर, यू नो आई एम श्योर कि द पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, जो बाइंग सेलिंग काफ़ी चल रही है, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट. सो आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम यू नो मेटावर्स का. How RERA has changed Indian real estate from an investor's perspective? तो ही मदद करिए investor perspective को भी और customer perspective को भी. In fact, I would say कि investor तो फिर भी एक smart person रहा है पूरी game के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसको पता था कि कब entry और कब exit लेनी है. RERA के आने से ये हुआ है कि जो पैसा system में नहीं था तो RERA उसको force कर रहा है system के अंदर आने के लिए. नॉर्मली क्या है कि कैश ट्रांजेक्शन्स पहले बहुत ज़्यादा थी और बिल्डर्स कुछ भी लॉन्च कर देते थे, मतलब उन्होंने सोचा एडवर्टाइजमेंट करी और पैसा उठाना शुरू कर दिया, वेदर उसका पूरे लाइसेंस आए हैं नहीं आए हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस हुआ है नहीं हुआ है. तो RERA किसी तरह तक एक यू नो करेक्टर सर्टिफिकेट की तरह यूज़ हो रहा है मार्केट में, कि जहाँ पे बिल्डर RERA सर्टिफिकेट दिखा के अपना करेक्टर बता रहे हैं कि हाँ हमारे सारे पेपर कंप्लीट हैं. साथ के अंदर पैसे का जो कंट्रोल है वो भी काफ़ी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस में आ गया RERA के होते हुए. सो आई थिंक इट्स देयर लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स कि RERA के आने से, बट आई स्टिल वांट द सिस्टम टू बी इम्प्रूव्ड. आई स्टिल वांट कि टाइटनेस और ज़्यादा जितनी होगी उतना अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ यू नो अभी भी मार्केट के अंदर मतलब कुछ बिल्डर्स हैं और जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन चल रही हैं और यू नो देर इज अ सब्सटैंशियल नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी सिस्टम के अंदर, बट पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है. हाउ विल रिमोट वर्क इम्पैक्ट सिटी डेवलपमेंट एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट? चेंज होना होता ना तो हो चुका होता. आप ये देखो कि रियल एस्टेट में तेजी कब आई, अब वर्क फ्रॉम होम हुआ, कोविड हुआ, रियल एस्टेट एकदम से ब्लास्ट होके ऊपर आया ना. इनफैक्ट अब जब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. आया था कोविड, चला गया, शायद कोई और वेरिएंट आए, शायद एक आधा वेरिएंट बाद में भी आए, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. मेरे को नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ेगा, बट हाँ इनफैक्ट ये काम जरूर हुआ है कि लोगों ने घर बड़ा खरीदना शुरू कर दिया है, तो एक अपना कमरा फालतू रख लेते हैं कि क्या घर से बैठ के भी काम कर लें. सो इट इज़ अ बूम फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है तो, और ऑफिसेज वर्क बैक टू नॉर्मल है, ऑफिस ट्रेंड्स भी वापस शुरू हो गए हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस वापस ऊपर जा रहे हैं. हाँ जो ढंग से यूँ है कि ऑक्यूपेंसी लेवल इफेक्ट हुआ था बीच में, बट आई थिंक वी आर बैक ऑन ट्रैक. सो आशीष, हाउ ट्रैफिक इम्पैक्ट्स रियल एस्टेट प्राइसेस? ट्रैफिक से ही हुआ है. देखो भैया ट्रैफिक रियल एस्टेट के अंदर, ट्रैफिक जितना ज़्यादा है कमर्शियल के लिए उतना बेनिफिट है. दिल्ली में इतना ट्रैफिक है, लोगों को रहना पसंद नहीं करते, हवा साफ नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत हाई है ना. तो जैसे जैसे सिटी के अंदर ट्रैफिक बढ़ेगा, आई डोंट लाइक ट्रैफिक, आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम ट्रैफिक, बट आई डू नॉट हैव अ चॉइस. यू नो किसी भी फाइनेंशियल सिटी के अंदर, और गुड़गांव तो अभी एक आईटी के साथ साथ अब फाइनेंशियल हब भी बनता जा रहा है, तो आई थिंक ट्रैफिक और बढ़ने वाला है, 3-4 गुना हो जाएगा. एंड कमर्शियल्स को बहुत फ़र्क पड़ता है, जितना ट्रैफिक आपकी दुकान के आगे से निकल रहा है तो फुटफॉल काउंट होता है. सो ट्रैफिक इज गोइंग टू इफेक्ट माई लाइफ एडवर्सली एंड प्रोबेबली ऑल ऑफ अस, बट रियल एस्टेट के लिए वो प्लस पॉइंट ही है. Thank you so much, Ashish, for solving our doubts. Looking forward for many conversations with you. And please like, share and subscribe to his channel. Thank you so much. Right, if you watched my video till now, please make sure you hit that like button, because my commitment
to YouTube is going to increase. My commitment to social media is going to increase. So consider subscribing it right now.